सिलेक्शन बॉक्स को सिलेक्ट करके वाटरमार्क के ऊपर रखा और वाटरमार्क यहाँ से डिलीट हो गया है। दोस्तों हम सब YouTube के लिए वीडियो बनाते हैं, लेकिन कभी ना कभी हमें कुछ इमेज या कुछ वीडियो फुटेज चाहिए जो हम हमारे वीडियो के अंदर यूज करना चाहते हैं, लेकिन उस इमेज या वीडियो फुटेज के अंदर हमें एक बहुत बड़ा वाटरमार्क नजर आता है जो हमारी वीडियो के क्वालिटी को बहुत ज्यादा खराब कर देता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे जिसको यूज करके हम इमेज या वीडियो फुटेज के अंदर से बड़ा वाटरमार्क को बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को हम कुछ लिमिटेशन के साथ फ्री में यूज कर सकते हैं और इस सॉफ्टवेयर को हम ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का नाम है हिप्पो वाटरमार्क रिमूवर। हिप्पो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए हम गूगल में हिप्पो वाटरमार्क रिमूवर लिख के सर्च कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक को क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसे हम इस सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो इसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे हिप्पो वाटरमार्क रिमूवर लिख के एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे सामने जो ऑफिशियल हिप्पो वाटरमार्क रिमूवर का जो ऑप्शन हमें दिखाई देगा, हम वहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने द इजिएस्ट वाटरमार्क रिमूवर का जो ऑप्शन हमें दिखाई देगा, इसके ठीक नीचे हमें ट्राई फ्री करके हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद हम इस सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक करके इसको जो सिंपल इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है उसको फॉलो करके हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अपने सिस्टम के अंदर इस हिप्पो वाटरमार्क रिमूवर को इंस्टॉल करके रखा हुआ है, क्योंकि मैं हमेशा इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करता हूँ बहुत सारे वाटरमार्क रिमूव करने के लिए। हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर चले जाते हैं। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद हमारे सामने इस तरह का एक डैशबोर्ड नज़र आएगा। हम देखेंगे सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में रिमूव वीडियो वाटरमार्क का ऑप्शन हमें दिखाई देगा। अगर हमें वीडियो से वाटरमार्क रिमूव करना है तो हम यहाँ पे आएंगे। अगर हमें कोई इमेज से वाटरमार्क रिमूव करना है तो हम इस ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अलग अलग ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद हमें राइट हैंड साइड में बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेगा। कोई भी वीडियो या इमेज को हमें इंपुट करने के लिए हम यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके इंपुट कर सकते हैं, नहीं तो हम हमारे फोल्डर में जाके उस फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक इमेज को यहाँ पे ले लेते हैं। रिमूव इमेज वाटरमार्क पे क्लिक करने के बाद हम चूज फाइल पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो हम हमारे सेव फोल्डर में जाके एक इमेज को हम सिलेक्ट करके हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। जैसे ही हमने हमारे इमेज को हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर इंपुट करते हैं तो हमारे सामने सारे फीचर्स जो है राइट हैंड साइड में एक्टिवेट हो जाएगा। सबसे पहला जो ऑप्शन है सिलेक्ट सिलेक्शन, किस तरह से हम हमारे वाटरमार्क को सिलेक्ट कर सकते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिलेक्शन टूल है, इसको क्लिक करने के बाद जहाँ पे हमारा वाटरमार्क है इसको अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारा सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। होने के बाद अगर हम रिमूव नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा ये वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है सिलेक्शन का, ये हमारा है, अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो हम पॉइंट क्लिक करके हमारे ऑब्जेक्ट को हमारे वाटरमार्क को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है ब्रश, ब्रश को सिलेक्ट करके हम हमारे वाटरमार्क के ऊपर इसको ड्रॉ करेंगे तो ये वाटरमार्क जो है यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। होने के बाद यहाँ पे हमारा रिमूव ना पे हम क्लिक कर सकते हैं तो हमारे सारे जो वाटरमार्क है यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। पूरा नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पे जूम एंड मूव ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन को यूज़ करके हम हमारे इमेज को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और हमारा जो इमेज है उसको हम पैन करने के लिए इस हैंड टूल को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके नीचे आएंगे अंडू रीडू ऑप्शन हमें दिखाई देगा, रोटेट करने के लिए ये ऑप्शन हमें यूज कर सकते हैं। नीचे आएंगे रिमूव मोड पे, यहाँ पे हमें तीन तरह का वाटरमार्क रिमूव करने का मोड मिल जाएगा, स्मूथ फिलिंग, एज फिलिंग और टेक्सचर रिपेयर। बाय डिफॉल्ट टेक्सचर रिपेयर में सिलेक्ट रहता है क्योंकि टेक्सचर रिपेयर ऑप्शन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हम टेक्सचर रिपेयर पे क्लिक करते हैं और हमारा जो वाटरमार्क है इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के लिए मैं पहला वाला जो सिलेक्शन टूल है इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हम हमारे वाटरमार्क को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे रिमूव नाउ पे हम क्लिक करते हैं तो देखेंगे हमारा वाटरमार्क जो है यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। हमारा वाटरमार्क जो यहाँ पे रिमूव हो चुका है। इसके बाद हमारा जो दूसरा वाटरमार्क है इसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे।
सेट करने के बाद हमारे वाटर मार्क के ऊपर इसको ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे और हम रिमूव नाउ पे क्लिक करेंगे। रिमूव नाउ पे क्लिक करते ही हम देखेंगे कुछ ही सेकंड के अंदर हमारा जो ये वाटर मार्क है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो पहले वाली इमेज में हम देख पा रहे वाटर मार्क जो है हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन वाटर मार्क रिमूव करने के बाद दूसरे वाली इमेज के अंदर हमें कोई भी वाटर मार्क नज़र नहीं आ रहा है। अभी हम देखेंगे कैसे हम हमारे वीडियो के अंदर से वाटर मार्क को रिमूव कर सकते हैं। वीडियो से वाटर मार्क को रिमूव करने के लिए हम रिमूव वीडियो वाटर मार्क ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो वीडियो है जिसके अंदर वाटर मार्क है उस वीडियो को हम हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, या हम यहाँ पे फाइल को चूज़ करके ब्राउज भी कर सकते हैं। जैसे हम फाइल को इंपुट करेंगे तो देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट एक सिलेक्शन बॉक्स हमारे वीडियो के ऊपर हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। लेकिन सबसे पहले हम वीडियो को एक बार प्ले करके देखते हैं कि हमारे वीडियो के अंदर जो राइट टॉप कॉर्नर में काइनमास्टर का एक वाटर मार्क हमें नज़र आ रहा है, सारे वीडियो के अंदर ये है। तो अभी हम इस वीडियो से इस वाटर मार्क को यहाँ पे रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पे चार ऑप्शन देखने को मिल जाता है। स्मूथ फिलिंग, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इस सिलेक्शन को हम जहाँ पे भी लेके जाएंगे वाटर मार्क के ऊपर लेके जाएंगे तो ये वाटर मार्क यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। हम कॉर्नर पर क्लिक करके एडजस्ट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पे गॉसियन ब्लर एक इफेक्ट हमें हमारे वाटर मार्क के ऊपर नज़र आएगा। इस ब्लर का जो ओपेसिटी है हम यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कलर फिलिंग, हम हमारे वाटर मार्क को अलग अलग कलर से फिल कर सकते हैं। चौथा जो हमारा ऑप्शन है वो है मैटे फिलिंग, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे भी जो भी इमेज या कलर है हम उस कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वही कलर हमारे जो वाटर मार्क है उसके ऊपर आ जाएगा। अगर हम इसको हमारे इमेज के ऊपर लेके जाएंगे तो इमेज का इस पोर्शन का जो कलर है यहाँ पे आ जाएगा। तो बेस्ट है स्मूथ फिलिंग। स्मूथ फिलिंग ऑप्शन को क्लिक करते हमारा जो वाटर मार्क है यहाँ पे पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा। अगर आपके वीडियो के अंदर एक से ज़्यादा वाटर मार्क है तो आप यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे तो दूसरा सिलेक्शन बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। हम इस बॉक्स को दूसरे वाले वाटर मार्क के ऊपर लेके जाएंगे तो दूसरा वाला जो वाटर मार्क है वहाँ से रिमूव हो जाएगा। सिलेक्शन करने के बाद हम रिमूव एंड एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा वीडियो जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगा विदाउट एनी वाटर मार्क। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाले वीडियो में देख पा रहे हैं जो हमारा पहला वाला वीडियो था जिसके अंदर हमें काइनमास्टर का जो लोगो है जो वाटर मार्क है दिखाई दे रहा था, ऐसे ही राइट हैंड साइड वाले वीडियो के अंदर जो हमने अभी एक्सपोर्ट किया है उस वीडियो के अंदर कोई भी वाटर मार्क हमें नज़र नहीं आ रहे। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हिप्पो वाटर मार्क रिमूवर सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम बहुत ही आसानी से हमारे कोई भी वीडियो या इमेज के अंदर से वाटर मार्क को बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर आपको कैसा लगा? क्या आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहते हैं? अगर सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन में, सॉफ्टवेयर के यूज करने में कोई भी दिक्कत है, अगर आपको इस सॉफ्टवेयर का फुल वर्जन चाहिए, आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। देखते रहिए डिजिटल एक्सप्रेस।